नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्व देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश्वेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हरत्रैः पतये नमः। सभी गुरुजनों को वंदन करके आज हम उन्माद निदान अध्याय की व्याख्या करेंगे। उन्माद निदान का अध्याय अथ से इति तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अथात उन्माद निदानम नाम व्याख्यास्यामः इतिहास्मः भगवान अत्रेयः। इसकी टीका करते समय चक्रपाणी जी ने कहा है कि औत्पातिकम शोषम अभिदायो। औत्पातिक इसका अर्थ है कि शोष की, जैसे कल हमने व्याख्यान में देखा कि शोष में प्रथमता धातु क्षय होता है, फिर शोष धातु क्षय क्रमशः होने से सभी धातुओं का क्षय होता है, प्रथमता रस क्षय होता है, फिर क्रमशः सभी धातुओं का क्षय होता है, फिर उस शोष की अवस्था आती है और शोष की अवस्था में यक्ष्मा का मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं का अनुबंध होता है, उनका शरीर में प्रवेश होता है। इसको कहते हैं औत्पातिकम शोषम। ये औत्पातिक शोष का वर्णन करने के बाद फिर उन्माद का वर्णन इस अध्याय में किया है। दक्ष के यज्ञ के विध्वंस में कुष्ठ के अनंतर उन्माद की उत्पत्ति हुई। जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ और जो जीवाणु का संसर्ग हुआ, उससे जो भय त्रास और शोक उत्पन्न हुआ, उससे उन्माद की प्रथमतः इस सृष्टि में उत्पत्ति हुई है। तो उन्माद शब्द का उन मतलब उन्मार्गी गमन होना और माद मतलब मद, जिसका मद मनोव श्रुतस का मद ये बढ़ जाता है उसको उन्माद कहते हैं। ये उसके शब्दशः अर्थ है। अब हम सूत्र देखेंगे। इह खलु पंच उन्मादा भवन्ति तद्यथा वात पित्त कफ सन्निपात आगंतु निमित्तः। यह मतलब इस निदान स्थान में उन्माद के पांच प्रकार बताए हैं, वातज पित्तज कफज सान्निपातिक और आगंतुज। इसका अर्थ सिर्फ पांच ही उन्माद है ऐसा नहीं है, उन्माद कई प्रकार से कई हेतुओं से अपरिसंख्यय होते हैं। ये अपरिसंख्यय उन्माद इस पांच कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में बैठते हैं। इधर वो वातज होगा और पित्तज होगा और कफज होगा और सान्निपातिक होगा या फिर आगंतु होगा। ये हेतु और दोषों के बलों के ऊपर अवलंबित है कि वो कौन से प्रकार में उसकी गणना की जाएगी। अब आगे कहते हैं, तत्र दोष निमित्तः चत्वारः पुरुषाणाम एवं विधानाम क्षिप्रम अभिनिर्वर्तते। अब पहले दोषज मतलब निज उन्मादों का वर्णन कर रहे हैं, आगंतुक उन्मादों का वर्णन बाद में किया है। मतलब जो पांच प्रकार है, वातज पित्तज कफज सान्निपातिक और आगंतुज, इसमें आगंतुज छोड़ के जो अन्य चार निज उन्माद है उनकी व्याख्या पहले कर रहे हैं। वो किसी कौन से किस प्रकार के पुरुष में ये उन्माद उत्पन्न होते हैं, उसके लक्षण और हेतु दिए। तद यथा भीरुणाम उपक्लिष्ट सत्वानाम उत्सन दोषाणाम। मतलब जो भीरु है, जो भयभीत है, जिसको किसी प्रकार का फोबिया है, ऊंचाई का फोबिया होता है, अंधेरे का फोबिया होता है, सर्प का फोबिया होता है, चीटी का फोबिया होता है, चिपकली का फोबिया होता है, या फिर किसी को पानी का फोबिया होता है इस प्रकार से, या किसी को दाढ़ी मूछ वाले लोगों का फोबिया होता है, इस प्रकार से फोबिया हमें व्यवहार में मिलते हैं। तो भय, जिसका मन भय से ग्रस्त है और उपक्लिष्ट सत्व है, उपक्लिष्ट सत्व का अर्थ है जिसके मन में राजस और तामस गुणों की वृद्धि हुई है। और राजस और तामस गुणों की वृद्धि से क्या क्या होता है इसका वर्णन शारीर स्थान में आया है। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट सत्व ऐसा है। और जो उत्सन दोषाणाम, जिसके शारीर दोष भी उस उत्कृष्टित है, मतलब तीनों दोष भी उसके विकृत है, ऐसा व्यक्ति अगर समल विकृत उपहितानी अनुचितानी आहार जातानी वैषम्य युक्तेन उपयोग विधिना उपयुंजानानाम। अगर वो व्यक्ति जो भीरु है, जिसका सत्व उपक्लिष्ट मतलब राजसिक और तामसिक हो चुका है, सत्व गुण कम हो चुका है, और जो जिसके शरीर में तीनों दोषों की विकृति भी हुई, मतलब निज दोषों की भी विकृति है और मानस दोषों की भी विकृति है, ऐसा व्यक्ति अगर मलयुक्त विकृत मतलब विरुद्ध, ऐसा उपहित, और जो उपहित मतलब उसकी टीका है उपहितानी इति मिश्रीकृतानी, मतलब मलयुक्त आहार या विरुद्ध युक्त आहार, ऐसा आहार जो अनुचित है, जिसका अंतिम परिणाम अहितकर है, ऐसा आहार सेवन करता है, और वो भी कैसा करता है, वैषम्य युक्तेन उपयोग विधिना। उपयोग विधि मतलब अष्टो आहार विधि विशेषायतन। चक्रपाणी जी भी कहते हैं कि उपयोग विधिना इति प्रकृति करणादि आहार उपयोग विधिना वक्तव्यः।
मतलब अष्टो आहार विधि विशेषायतन, इसका विधि विरहित ऐसा प्रकार का आहार वो सेवन करता है, ये एक हेतु हो गया। तंत्र प्रयोगम अपि, तंत्र की टीका चक्रवाणी दी है। तंत्र मतलब शरीर, और शरीर का तस्य प्रयोग मतलब क्या है, तंत्रम इति शरीरम तस्य परिपालनार्थम सद्वृत्तोक्त प्रयोग, मतलब वो सद्वृत्त जो बताया है वो सद्वृत्त का पालन वो नहीं कर रहा है। तंत्र प्रयोगम अपि विषमम आचरताम, मतलब तंत्र प्रयोग मतलब सद्वृत्त उसका विकृत सेवन कर रहा है, सद्वृत्त में जो नियम बताए हैं वो ठीक से सेवन नहीं कर रहा है। और विषमाचरताम अन्यम शरीर चेष्टा विषमा समाचरताम, और बाकी के भी शरीर चेष्टा जो है वो विकृत सेवन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति में अत्युपक्षीण देहानाम, इसका देह क्षीण हो गया है धीरे धीरे, व्याधि वेग समुद्भ्रमिता नाम, जिसको व्याधि का वेग अभी सहन नहीं पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हेतु के ग्रुप दिए हैं, एक हेतु का ग्रुप शारीर दोषों की विकृति का है, जो आहार विधि विकृत आहार विधि करना है, अष्टो आहार विधि विशेषायतनों का विकृत सेवन करना है, या फिर अनुचित आहार है, विरुद्ध आहार है, समल आहार है, इससे शारीर दोष विकृत होंगे। दूसरा है सद्वृत्त का पालन न ठीक से नहीं करना, चेष्टा विषम करना, और अत्युपक्षीण देह और व्याधि वेग समुद्भ्रमिता नाम, ऐसा ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, उपहत मनसाम, मतलब पहला ग्रुप जो है वो शारीर दोष विकृत करने वाला है, दूसरा हेतु का ग्रुप मानसिक दोषों का विकृति करने वाला है, और तीसरा ग्रुप है काम क्रोध लोभ हर्ष भय मोह आयास शोक चिंता उद्वेगादि भी भूयः अभिघाताभ्याम आहतानां वा मनसि उपहते, मतलब तीसरा ग्रुप ये मनोवह श्रुतस में स्थान वैगुण्य निर्माण करने वाला है। अब एक एक शब्द हम देखेंगे। काम का अर्थ है किसी भी प्रकार की इच्छा करना, जो व्यवहार में हम काम शब्द का अर्थ लेते हैं मतलब मैथुन इच्छा, इतना ही पर्याप्त ये विषय नहीं है। काम का अर्थ है किसी भी प्रकार की, किसी भी इंद्रियों की इच्छा, बहुत मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो वो भी काम है, तीखा खाने की इच्छा हो रही है तो वो भी काम है, किसी भी प्रकार की किसी भी इंद्रियों के विषय की इच्छा होना इसको काम कहते हैं। क्रोध, क्रोध मतलब किसी भी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित तो होना या उसका विपरीत उसको एक रिप्लाई देना। देन लोभ, लोभ मतलब पर द्रव्यों में इच्छा होना। हर्ष मतलब बार बार एक्साइटमेंट रहना। भय मतलब फोबिया, ये बताया। मोह, मोह मतलब क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी अवस्था जब आती है तो उसको मोह कहते हैं। अगर ये बारंबार चल रहा है कि अब क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, और मतलब इससे क्या होता है, जो करना चाहिए वो आदमी करता नहीं है और जो नहीं करना चाहिए वो करता है, इसको मोह कहते हैं। आयास, आयास मतलब अति मात्रा में मानसिक श्रम, बार बार विचार करना, जो अचिंत्य विषय है उसका चिंतन करना, जिसका कुछ संबंध नहीं है ऐसे विषयों का विचार करते रहना, इसको आयास कहते हैं। शोक, शोक मतलब बार बार निगेटिव थॉट्स लेना, किसी भी चीज में आपने किसी का कुछ अच्छा प्रे प्रे किया प्रेस किया तो वो बोलेगा नहीं, इतना ठीक नहीं है, ऐसा ही मिला है वो तो है, मतलब वो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी के हर चीज में वो निगेटिव ही ढूंढते हैं किसी भी चीज में, तो वो शोक ग्रस्त, शोक मतलब सिर्फ रोना नहीं है, निगेटिविटी होना, इसको शोक कहते हैं। और चिंता, चिंता मतलब बहुत चिंतन करना किसी भी चीज का, कैसा होगा, क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज की चिंता करनी चाहिए उसकी अल्प मात्रा में चिंता करनी चाहिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पर कई लोगों को ये ओवर थॉट्स जो रहते हैं उसको चिंता कहते हैं। और उद्वेग, उद्वेग मतलब हर चीज में इरिटेशन रहना, इरिटेटेड रहना, बार बार मतलब क्या ये लॉकडाउन करके रखा है, घर में बैठे हैं, ऐसा है वैसा है ये है वो है, इसको कहते हैं उद्वेग। अब प्रश्न आया है कि काम और लोभ में क्या डिफरेंस है। काम मतलब खुद इच्छा होना, मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मुझे तीखा खाने की इच्छा हो रही है, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, इसको काम कहते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में भी रह सकता है। और लोभ का अर्थ है दूसरों के पास जो चीज है वो मुझे मेरे पास चाहिए, उसको लोभ कहते हैं। मतलब कोई अगर किसी के पास अच्छा वॉच है, घड़ी है, तो वो घड़ी मेरे पास होनी चाहिए, फिर इससे क्या होता है, लोभ से चोरी करना शुरू हो जाता है। तो काम ये खुद की इच्छा है, और लोभ मतलब
दूसरों के द्रव्यों के प्रति इच्छा रहना कि वो मेरे पास चाहिए, इसको लोभ कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ऐसे हेतुओं से क्या होता है, मन अभिघात हो जाता है। ये मन में मानो मनोवह श्रुतस में स्थान वैगुण्य करने वाले हेतु है। इनसे क्या होता है, मनसी उपहते मनोवह श्रुतस विकृत होता है। आगे मनोवह श्रुतस का संदर्भ है, विकृत होता है। और बुद्धौच प्रचलितायाम, उसकी बुद्धि प्रचलित होती है। बुद्धि मतलब क्या, धी धृति स्मृति, इसका विभ्रंश हो जाता है, वो प्रचलित हो जाती है। और फिर प्रचलितायाम अभ्युदीर्णाम, इसके साथ में शारीर दोष भी विकृत है, तो वो क्या करते हैं, अभ्युदीर्णाम दोषाह, अभ्युदीर्ण मतलब विकृत हुए दोष, प्रकुपिता, वो प्रकुपित होके हृदय उपसृत्य, हृदय उपसृत्य मतलब टीका है हृदय उपसृत्य की, हृदय व्याप्य, हृदय हृदय मतलब यहाँ पे उर प्रदेश या मन में ऐसा लेना चाहिए जो मनोवह का मूल स्थान है। आगे कहते हैं हृदय उपसृत्य मनोवहानी श्रोताओं से आवृत्य, मनोवह श्रोतस में वो आवृत होते हैं, मतलब वहां पे अवरोध निर्माण करते हैं। और आवृत्य जनयति उन्मादम, ये वहां पे उन्माद निर्माण करते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं एक एक शब्द से अर्थ देखा हमने। हेतु तीन प्रकार के हैं, एक ग्रुप से शारीर भावों का विकृत होंगे, दूसरे हेतु से मानसिक भाव विकृत होंगे, तीसरे हेतु से मनोवह श्रोतस में स्थान वैगुण्य होगा। अब इससे स्थान वैगुण्य हुए शारीर मनोवह श्रोतस में दोष संश्रय लेते हैं, स्थान संश्रय लेते हैं, अवरोध करते हैं, और बाकी का उदीरण होता है। और फिर जो मानस भावों की विकृति उसके साथ में दिखाई देती है उसको उन्माद ऐसा कहा जाता है। मतलब सिर्फ मानसिक विकृति नहीं है, उसमें शारीरिक दोषों की भी विकृति है, और उसका स्थान संश्रय ये मनोवह श्रोतस में है, ये स्पष्ट चरक संहिता में लिखा गया है। प्रश्न है, भीरु और भय दोनों सेम लेना है सर, या कुछ डिफरेंस है? भय ये शारीर मानस भाव है, सॉरी, भय ये शारीर, भय ये मानस भाव है, और जो भय युक्त है उसको भीरु कहते हैं, उस व्यक्ति को भीरु कहते हैं। अब आगे सूत्र नंबर 5, यहां उन्माद की व्याख्या दी गई है। उन्मादम पुनः मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम। अब यहां पे विभ्रम शब्द सभी शब्दों के लिए लेना है, मनोविभ्रम, बुद्धि विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, ज्ञान विभ्रम, स्मृति विभ्रम, भक्ति विभ्रम, शील विभ्रम, चेष्टा विभ्रम और आचार विभ्रम। देखिए उन्माद की व्याप्ति कितनी बड़ी है। हम प्रायः उन्माद को किस में लेते हैं, जो पागल हो गया है उसको उन्माद कहते हैं। इतना ही उन्माद की व्याप्ति नहीं है, मैं एक वाक्य अभी आपको सबके सामने रखता हूं कि हम सभी, मैं, आप और अभी इस पृथ्वी तल पे जो जो पुरुष है उसमें से कुछ परसेंट छोड़ दीजिए, 1-2 या आधा परसेंट, 99% व्यक्ति ये उन्माद में है। मैं भी उन्माद अवस्था में हूं, आप भी उन्माद अवस्था में हैं, और आपके सामने जो जो व्यक्ति आपको मिल रहे हैं सभी उन्माद की अवस्था में हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उन्माद की यहाँ पे जो व्याख्या है वो बहुत विस्तृत है। एक एक हम देखते हैं। पहला है मनोविभ्रम, उसकी टीका दी है टीकाकारों ने, मनोविभ्रमम इति चिंत्यान अर्थान न चिंतयते अचिंत्याश्च चिंतयते उक्तम ही मनसश्च चिंत्यम अर्थम। मन के जो अर्थ है चिंत्य, चिंत्यम उह्यम ध्येयम संकल्पमेव च, चिंत्य का अर्थ है चिंतन करना, ये इसका अर्थ नहीं है। चिंत्य मतलब ध्येय विषय क्या है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें विभ्रम आता है। तो मनोविभ्रम के कई प्रकार होते हैं। मनोविभ्रम का पहला है चिंत्य विभ्रम। चिंत्य विभ्रम मतलब जो मुझे मुझे जो चिंत्य उह्य ध्येय संकल्प, तो चिंत्य मतलब मुझे अभी समझो मैं नासिक में रहता हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसका विचार करना मतलब चिंत्य है, तो उसमें विभ्रम आता है। तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, उसको चिंत्य कहते हैं। उह्य मतलब मैं कैसे जाऊं, दिल्ली जाना है तो जाने के बाद क्या होगा, अगर नहीं गया तो क्या होगा, इसको उह्य कहते हैं, उह्वन करना। चिंत्यम विचार्यम ध्येयम, चिंत्यम विचार्यम ध्येयम संकल्पमेव च, तो ये सभी मनो के विषय है। इन मनो के विषय में विभ्रम आना, अपने अपने विषयों का जो कार्य, इसकी व्याख्या है शारीर स्थान के अध्याय 1 में दी गई है, इसको आप बाद में देख सकते हो। मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो व्याख्या, शारीर स्थान अध्याय 1।
सूत्र नंबर शारीरस्थान अध्याय 1 सूत्र नंबर 20 चिंत्यम विचार्यम उयम ध्येयम संकल्पमेव च, ये उसके विषय है। अब चिंत्य की व्याख्या की है, कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वा मनसा चिंत्यते, क्या करना चाहिए और न क्या करना नहीं चाहिए ये इसका निर्णय करना, इसको चिंत्य कहते हैं। अब चिंत्य विभ्रम जब होगा हो जाएगा तब तो क्या होगा, जो मुझे करना है वो मैं नहीं करूंगा और जो नहीं करना चाहिए वो मैं जरूर करूंगा, ये चिंत्य विभ्रम है, ये उन्माद की एक अवस्था है। अगला मन का विषय है विचार्य। विचार्य की व्याख्या है उपपत्ति अनुपपत्तिभ्याम यद विमृशते, विमर्श करना, मतलब अगर मैंने ये काम किया तो क्या हो जाएगा और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इसका विमर्श करना, उपपत्ति अनुपपत्ति करना, इसका विमर्श से यह तय करना कि आगे क्या होगा, इसको विचार्य कहते हैं। तो इसमें विभ्रम हो जाएगा तो मुझे क्या करना है इसका परिणाम क्या होगा ये समझ में नहीं आता, बस वो कर्म करता रहता है उसका परिणाम उसको समझ में नहीं आता, ये भी विकृति है। आज हमारे कई लोगों में ये भाव हमें दिखाई देता है कि हम जो करने वाले, हम एक पोस्ट डालते हैं उस पोस्ट का आगे परिणाम क्या होगा इसका विचार हम नहीं करते, तो ये विचार्य है, विमर्श करना। ये अगर हमें हम नहीं कर रहे, हर हमारे हमारी हर चेष्टा हमारे हर कृति का आगे परिणाम क्या होगा इसका विमर्श अगम नहीं कर रहे तो ये विचार्य का विभ्रम है। आगे है ध्येय चिंत्यम विचार्यम उह्यम, उह्य की व्याख्या है यत संभावनया उह्यते एवं एतद् भविष्यति। अब इस ये कर्म हम करने वाले हैं इसका आगे परिणाम ये होगा पर उस परिणाम का परिणाम क्या होगा, मतलब मैं अगर यहां से दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के बाद मुझे क्या होगा ये मिलेगा पर उसका परिणाम क्या होगा, उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, इसको कहते हैं उह्य, इसमें विभ्रम होना। ध्येय का अर्थ है भावना ज्ञान विषय, भावना मतलब मनो के सारे भाव, मानसिक सारे भाव, चिंत्य सॉरी क्रोध लोभ मोह द्वेष इच्छा काम क्रोध, ये मानसिक जो भाव है इसका ज्ञान का विषय, इसके जो ज्ञान है मतलब क्रोध जो है उसका ज्ञान का विषय, लोभ का ज्ञान का विषय, मोह का ज्ञान का विषय, इसको कहते हैं ध्येय, ये मानसिक मन का अर्थ है, मनो का मन का विषय है, उसमें विकृति आना। और संकल्प, संकल्प का अर्थ है गुणवत्तया दोषवत्तया अवधारणा, इसके गुण क्या है और इस चीज के दोष क्या है इसकी इसका निश्चय करना, अवधारणा का अर्थ है निश्चय करना। मतलब देखिए हम व्यवहार में ध्येय शब्द का अर्थ अलग है, व्यवहार में ध्येय मतलब मुझे क्लास में फर्स्ट आना है ये ध्येय है व्यवहार में, ठीक है, पर मनो का विषय जो ध्येय है उसका अर्थ है भावना ज्ञान विषय। और संकल्प का अर्थ हम कहते हैं कि मैंने संकल्प किया है कि मैं पूरी चरक संहिता पढ़ूंगा, यह अर्थ यहाँ पे अभिप्रेत नहीं है। संकल्प का अर्थ गुण किसी भी चीज का गुण और दोषों का निश्चय करना, इसको संकल्प्य कहते हैं। तो ये मन के पांच विषय हैं, इन पांचों विषयों में अगर विभ्रम उत्पन्न हो रहा है, विभ्रम मतलब विकृति उत्पन्न हो रही है, तो उसको मनोविभ्रम में लेना चाहिए। वैसे ही मन के कर्म बताए हैं, इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसहा स्वस्य निग्रह च उह्यो विचारश्च तत्। इंद्रिय अभिग्रह मतलब इंद्रियों ने जो विषय ग्रहण किया है उस विषय का ग्रहण करना और उस इंद्रियों के द्वारा उस विषय का ग्रहण करना, ये मन का कर्म है। अगर मनोविभ्रम हो गया तो इंद्रिय विषय ग्रहण करेंगे पर वो मन तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब किसी गर्म क्या कहते हैं पात्र के ऊपर अगर हाथ मेरा रह गया तो मेरा कर्मेंद्रिय जो है हस्त वो विषय अंदर भेजेगा, या वहां का स्पर्शन ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान का विषय है तो वहां का ज्ञानेन्द्र त्वचा जो है वो उष्ण स्पर्श का स्पर्श जो विषय है वो मन की तरफ भेजेगी, पर अगर मन विकृत है मन विभ्रमावस्था में है तो मन का मन को इस विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, इसको कहते हैं इंद्रिय अभिग्रह का विभ्रम। स्वस्य निग्रह मतलब अपने खुद के कर्मों के ऊपर निग्रह करना, मतलब जो विषय मन का व्यापार का कार्य है उसमें उसका निग्रह होना ये उसका प्राकृत कर्म है, पर जब मनोविभ्रम होगा तो मन के जो जो कार्य है जो जो विषय है इसमें मनो के व्यापार जो है उसमें निग्रह नहीं रहेगा और जो चीज नहीं करनी चाहिए वो की जाएगी और जो करनी चाहिए वो नहीं की जाएगी, तो इसको कहते हैं इतना इतनी व्याप्ति मनोविभ्रम की है। सिर्फ एक मनोविभ्रम पे 1 घंटा निरूपण हो सकता है, इतनी बड़ी व्याप्ति मनोविभ्रम की है। यहाँ पे संक्षेप हमने देखा, इसका विस्तार आप खुद कर सकते हो।
आगे है बुद्धि विभ्रम। बुद्धि विभ्रम का अर्थ है नित्यम अनित्यम, ये हमारे सब में विभ्रम है, मुझ में भी बुद्धि विभ्रम है, आप में भी बुद्धि विभ्रम है, और इस समाज सारी सृष्टि में जो जो अभी मनुष्य उत्पन्न हुए हैं ये सभी बुद्धि विभ्रम की अवस्था में है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नित्य को अनित्य समझते हैं। नित्य कौन है, मेरे अंदर जो चैतन्य है वो नित्य है, और अनित्य कौन है, ये शरीर जो धारण मैंने किया है ये कभी ना कभी तो गिरने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो अनित्य है। पर मैं समझता क्या हूं कि ये मैं जो शरीर हूं, जो ये अभिजीत सराफ नाम का ये जो शरीर है ये नित्य है, इसको कभी मृत्यु होने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता, हमेशा लगता है, और उसी भावना में मैं रहता हूं। पर ये हमें समझना चाहिए कि ये जो मेरा नाम है, जो इस शरीर का नाम है, ये नाम मेरा नहीं है। मेरे अंदर जो चैतन्य है वो, उसको कोई लिंग नहीं है, उसको कुछ जाति नहीं है, उसको कुछ वय नहीं है, उसको ना उसको कुछ संज्ञा भी नहीं है, वो सबसे परे है, वो नित्य है, पर उसका ज्ञान मुझमें हमेशा नहीं रहता, और मैं मेरे शरीर को नित्य समझता हूं, यही बुद्धि विभ्रम है। गंभीरता का विषय है ये उन्माद का विषय है। उन्माद में बुद्धि विभ्रम होता है, नित्य वस्तु को वो अनित्य समझता है और अनित्य वस्तु को वो नित्य समझता है। ऐसी और एक चीज है प्रियम च अप्रियम इति, जो प्रिय है उसको वो अप्रिय समझता है और जो अप्रिय है उसको प्रिय समझता है। इसका एक और संदर्भ शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में है कि हित को अहित समझता है और अहित को हित समझता है। श्लोक ऐसा है, विषमाभिनिवेशो यो नित्या नित्य हिता हिते नेयस बुद्धि विभ्रंशः सबम बुद्धिरि पश्यति। बुद्धि विभ्रंश मतलब जो हितकर है उसको अहित समझना, मतलब अभी समझो एग्जाम आई है तो एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए, तो पढ़ाई करनी चाहिए, ये मेरे लिए हितकर है, पर वो नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई क्यों करना है, या बोर हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है, ये ऐसा समझना, ये हम अहितकर का सेवन कर रहे हैं, और जो हमारे लिए अहितकर है उसको हित समझना। नेम हमेशा ऐसा होता है कि जो हितकर होता है वो हमेशा होता है, और जो अहितकर होता है वो प्राय प्रिय होता है, मतलब दिवा स्वाप नहीं करना चाहिए, वो अहितकर है पर दिवा स्वाप हमें बहुत प्रिय है कि नहीं। तो ये बुद्धि विभ्रम है, मतलब हम सभी बुद्धि विभ्रम की अवस्था में हमेशा रहते हैं। इसलिए मैंने जो वाक्य कहा था कि उन्माद की व्याप्ति बहुत बड़ी है, हम सभी उन्माद में हैं, उन्माद की एक अवस्था में, इसका मतलब हम पागल है ऐसा अर्थ नहीं है, ये बुद्धि विभ्रम की अवस्था है, ये दूर हो सकती है, ये कैसे दूर? चिकित्सा करने के लिए कहा है, अध्यात्म ज्ञान से ये सभी दूर होता है। आगे है संज्ञा विभ्रम। संज्ञा विभ्रम का टीका है, संज्ञा इति ज्ञानम तद विभ्रमात अज्ञानी दाहम न बुद्धते। ज्ञान मतलब इंद्रियों का, विषयों का ज्ञान, अगर उसका उसकी विकृति हो गई तो इंद्रिय के विषय हमारे मन तक, मन से बुद्धि तक पहुंचेंगे नहीं और उसका ज्ञान नहीं होगा, यह संज्ञा विभ्रम का एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है संज्ञा इति नाम उल्लेखे न ज्ञानम, मतलब किसी का नाम रहना इसको कहते हैं संज्ञा। तो कई पागल कैसे करते हैं, पेन को मोबाइल कहते हैं, मोबाइल को पेन कहते हैं, नोटबुक को पेन कहते हैं, नोटबुक को दरवाजा कहते हैं, दरवाजे को खिड़की कहते हैं, मतलब उनमें संज्ञा विभ्रम हो चुकी है, वो नाम बदल दे जाते हैं, मतलब किसी को कुछ कुछ किसी भी नाम से वो पुकारते हैं, ये संज्ञा विभ्रम है। आगे है ज्ञान विभ्रम। ज्ञान विभ्रम संज्ञा ज्ञान ऐसे एक टीका की है, ज्ञान विभ्रम मतलब इंद्रियों का ज्ञान। आगे है स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रमात् तु न स्मरति अयथावद् वा स्मरति। स्मृति विभ्रम से जो स्मरण करना चाहिए उसका स्मरण नहीं होता, या फिर गलत पद्धति से स्मरण होता है, उसको स्मृति विभ्रम कहते हैं। भक्ति विभ्रम, भक्ति का अर्थ है इच्छा, तो जो इच्छा है, मतलब इसकी टीका है, भक्ति विभ्रमात यत्र इच्छा पूर्वम आसीत तत्र अनिच्छा भवति, मतलब प्रथम पहले जो इच्छा थी उसको अब उसमें अनिच्छा उत्पन्न हो गई है, और जो जिसमें उसको अनिच्छा थी अब उसको वो अच्छा लगने लगा है, इसको भक्ति विभ्रम कहते हैं। आगे है शील विभ्रम। शील का अर्थ है स्वभाव, कोई व्यक्ति स्वभाव से क्रोधित क्रोधी युक्त होता है, कोई सात्विक रहता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है, तो अचानक उस स्वभाव में परिवर्तन होना उसको शील विभ्रम कहते हैं। उसकी टीका है, शील विभ्रमात अक्रोधनाहा क्रोधनो भवति, जो पहले कभी चिढ़ता नहीं था अब वो बार बार चिढ़ने लगा है, उसको शील विभ्रम कहते हैं।
आगे है चेष्टा विभ्रम। चेष्टा विभ्रम का अर्थ है अनुचित चेष्टा भवति, मतलब जो चेष्टा करनी चाहिए वो चेष्टा न करते हुए गलत चेष्टा कर रहा है, और जो नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है, उसको चेष्टा विभ्रम कहते हैं। और आगे का आखिरी है आचार विभ्रम। आचार का अर्थ है शास्त्र शिक्षा कृतो व्यवहार, शास्त्र द्वारा प्रमाणित किया हुआ जो व्यवहार है उसको शास्त्र, इसको आचार कहते हैं, आचरण कहते हैं। तो आचरण से क्या होता है, तो जो शौच करना चाहिए वो नहीं करता, सद्वृत्त का पालन करना चाहिए तो वो नहीं होता, और जो नहीं करने के लिए कहा है शास्त्र ने वो करता है, इसको कहते हैं आचार विभ्रम। तो देखिए उन्माद की व्याप्ति कितनी बड़ी है। उन्माद की व्याप्ति है मनोविभ्रम। मनोविभ्रम में मन के पांचों अर्थों का विभ्रम, मन के चार कर्मों का विभ्रम, और मन के व्यापार का विभ्रम। आगे है बुद्धि विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, ज्ञान विभ्रम, स्मृति विभ्रम, भक्ति विभ्रम, शील विभ्रम, चेष्टा विभ्रम और आचार विभ्रम। विभ्रम का अर्थ यहाँ पे विकृति है। इतनी बड़ी व्याप्ति उन्माद की है, सिर्फ पागल होना ये उन्माद नहीं है, इतनी बड़ी व्याप्ति, और ये निजे उन्माद के लक्ष्य व्याख्या की गई है। फिर आगे कहते हैं तस्य इमानी पूर्व रूपाणि भवन्ति। अब इसके पूर्व रूप क्या क्या है, तो शीर अभी मैं सिर्फ पढ़ता हूं, जिसका अर्थ बताने की जरूरत है वो अर्थ बताऊंगा, बाकी श्लोक सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी अर्थ उसका आसान है। शिरसा शून्यता, मतलब शिर में खालीपन लगना, चक्षुषोः आकुलता, आंखों में व्याकुलता होना, स्वनः कर्णयोः, कर्ण कानों में आवाज आना, उच्छ्वासस्य आधिक्यम, उच्छ्वास जो है वो दीर्घ काल चलना, मतलब आधिक्य। देखो डिप्रेशन में ऐसे लोग करते हैं, अब किसी में कुछ बाकी नहीं रहा, मेरे जिंदगी में कुछ शेष नहीं रहा, और वो उच्छ्वास डालते रहता है। आस्य संस्रण, मुख से हमेशा पानी गिरता रहता है। अनन्नाभिलाषम अरोचक विपाक, अग्निमान्द्य के हेतु है, लक्षण है। रुद्रग्रह, यहाँ पे रुद्रग्रह का अर्थ है उर स्थान में कुछ जखड़ाट है ऐसा लग रहा है। ध्यान आयास सम्मोह उद्वेगः च अस्थाने, मतलब ध्यान की अवस्था नहीं है, मतलब किसी जगह एकाग्रता रहना पर उस जगह पे वो एकाग्र है। आयास मतलब जहां पे श्रम करना नहीं चाहिए वहां पे वो श्रम कर रहा है। सम्मोह, सम्मोह अस्थाने और उद्वेग अस्थाने। आगे सततम लोम हर्ष, उसको बार बार अंगों शरीर पर रोमांच आ रहे हैं। ज्वरा च अभीक्षणम, बार बार ज्वर आ रहा है। उन्मत्त चित्तत्व, मतलब वो उसका चित्त जो है वो उन्मत्त हो चुका है। आगे है उदरदित्वम, उदरदत्त की टीका है, उदरदत्वम इति ऊर्ध्वकाय पीड़ितम्, उसके शरीर के विशेष व्याख्या है ये। ऊर्ध्व शरीर पे उसमें विविध प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, विकृति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अर्दित आकृति करणम च व्याधे, अर्दित मतलब मुख वक्रता आदि जो लक्षण है वो उसमें अचानक उत्पन्न हो जाते हैं। स्वप्ने च अभीक्षणम दर्शनम भ्रांत चलित अवस्थितानाम रूपाणाम अप्रशस्तानाम, उसको स्वप्न में भ्रांत चलित अवस्थित ऐसे रूप दिखाई देते हैं, या फिर तिल पीड़क चक्राधिरोहण, वो जो तिल तेल निकालने का चक्र होता है उसमें वो बैठा है, इस प्रकार का उसको स्वप्न पड़ता है। या फिर वात कुंडलिकाम बेहि उन्मथनम निमज्जनम च, वात कुंडलिका मतलब जिसको हम चक्रीवादल कहते हैं या टॉर्नेडो कहते हैं, उसमें वो अटक गया है, चक्रीवादल में वो अटक गया है, इस प्रकार से उसको लगता है। या फिर निमज्जनम मतलब जो पानी में जो भवर, जल में जो भवरा होता है उसमें वो अटक गया है, ऐसा उसको स्वप्न स्वप्न पड़ता है। कलुषाणाम अंबसाम आवर्ते चक्षुषा अपसर्पणम, गंदे पानी में वो डूब रहा है उसको स्वप्न, ऐसा स्वप्न आता है। और चक्षुषा अपसर्पणम मतलब चक्षुर व्यपगम, चक्षुओं में विकृति उत्पन्न होती है, इस प्रकार के पूर्व रूप है। अब आगे कहते हैं ततो अनंतरम एव उन्माद भी अभिनिर्वृत्ति एव, यहाँ पे चक्रपाणि की टीका विशेष है, वो कहते हैं ततो अनंतरम एव इति वचन, ऐसा क्यों कहा है, पूर्व रूपानंतरम शीघ्रम एव उन्मादो भवति, उन्माद के पूर्व रूप और रूप में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, त्वरित उन्माद उत्पन्न हो जाता है बाकी के व्याधि में। आगे कहते हैं अन्य रोगा यथा पूर्व रूपो भूते अपि चिरेण भवन्ति, बाकी के व्याधियों में पूर्व रूप दिखने के बाद कुछ काल के बाद रूप दिखाई देता है, ऐसा उन्माद उन्माद में नहीं होता, पूर्व रूप दिखाई देने के बाद त्वरित रूप की अवस्था उत्पन्न होती है। तो वो क्या क्या रूप है, तो पहले वातो उन्माद के लक्षण बता रहे। परिसरणम अजस्रम, मतलब जिसको वातज उन्माद हुआ है वो नित्य घूमता रहता है, कभी एक जगह पे स्थान वो रुकता नहीं है। अक्षी भ्रुव ओष्ठ अंश हनु ग्रह हस्तपाद अंग विक्षेपणम अकस्मात, मतलब अकस्मात वो सिर ऐसा कर देगा, हाथ को ऐसा झटका देगा, पैर को झटका देगा, नासिका को झटका देगा,
कान झटकेगा या आंखें मीचा निचोड़ेगा या फिर भ्रू जो है वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे अलग प्रकार के वो अकस्मात लक्षण करता है। वो बार बार कर उसका ऊपर उसको कंट्रोल नहीं है, सततम अनियतानाम गिराम उत्सर्गा, कंटिन्यू वो बातें करता रहेगा और वो इररिलेवेंट बातें रहेंगी। इररिलेवेंट बातें कैसे रहेगी, असंबद्ध वाक्य उसमें होंगे। गिरा मतलब वाणी, आगे है फेन आगम अस्मात, मुख से उसको फेन आता रहेगा। अभीक्ष्णम स्मित हसित नृत्य गीत वादित्र संप्रयोग अस्थाने, मतलब बैठा है तो बैठने के बाद अगर किसी कुर्सी पे बैठा है तो कुर्सी के ऊपर तबला जैसा बजाएगा, अकस्मात हंसेगा बीच में, मतलब अभी हंसने की कुछ सिचुएशन नहीं है फिर भी हंसेगा। स्मित हसित जोर जोर से हंसेगा, स्मित मतलब सिर्फ स्माइल दे रहा है और हसित मतलब बड़ी गड़गड़ाहट से हंस रहा है। दूसरा है नृत्य, अचानक नृत्य करने लगेगा, अचानक गाना गाने लगेगा, अचानक कोई किसी चीज को बजाने लगेगा, जो बजाने की चीज नहीं है उसके ऊपर वो बजाने लगेगा, ऐसा अस्थान प्रयोग करेगा, ये बार बार करेगा वो। वीणा वंश शंख शम्या ताल शब्दानुकरणम अस्नामना, मुख से वीणा का आवाज निकालेगा, वंश मतलब बांसुरी का आवाज निकालेगा, शंख का आवाज निकालेगा और वो असामना बड़ी मात्रा में करेगा, या फिर शम्या मतलब राइट हैंड से वो बजाएगा और ताल मतलब लेफ्ट हैंड से कुछ बजाएगा। इसको ये संगीत शास्त्र के शब्द है शम्या और ताल, अगर राइट हैंड से तबला बजा रहा है तो उसको शम्या कहेंगे और लेफ्ट हैंड से तबला बजा रहा है तो उसको ताल कहते हैं। इसकी टीका है चक्रपाणि के नीचे। यानम अयान ही, जो यान नहीं है गधा कुत्ता सुअर इसके ऊपर बैठ के वो जाएगा, जो यान नहीं बताए है उसके ऊपर बैठेगा। अलंकरणम अनलंकरणे द्रव्ये, जो अलंकार के योग्य द्रव्य नहीं है, चप्पलों का हार डालेगा गला गले में या फिर किसी कांटों का हार डालेगा, जो अलंकार के द्रव्य नहीं है इसका अलंकार करेगा। लोभा च अव्यवहारेषु अलब्धेषु, जो चीज उसको मिली नहीं है उसमें वो उसका लोभ होगा, वो चाहिए चाहिए कहेगा उसको। पर लब्धेषु अवमानः, जब वो चीज उसको मिलेगी तो उसको वो अपमान देगा, उसको फेंक देगा। और तीव्र मात्सर्य, उस चीज के लिए उसके मन में तीव्र मत्सर उत्पन्न हो जाएगा, मतलब जब तक वो चीज मिली नहीं है तो उसको लोभ है और वो चीज मिलने के बाद उसको मत्सर उत्पन्न होता है। और आगे कार्श्य पारुष्य, अब ये जो कार्श्य पारुष्य है ये वात प्रकोप से है। अब वात प्रकोप सिर्फ मनोभाव में तो नहीं है, वो समुचित शरीर में है, तो कार्श्य और पारुष्य ये समुचित शरीर में उत्पन्न होने वाले वायु के प्रकोप के लक्षण है। उत्पिंडित अरुणाक्षता, उसके आंखें प्रोट्रूड आईज होते हैं और लाल आंखें दिखाई देती हैं। और वात उपशय विपर्यासात अनुपशयत, अगर स्नेहादि गुण सेवन किए, स्नेह उष्ण तो उसको अच्छा लगता है और शीत रुक्ष सेवन किया तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है। इसको कहते हैं इति वात उन्माद लिंगानी, ये वात उन्माद के लक्षण है। अब पित्तोन्माद के लक्षण, अमर्षहा क्रोधा, अमर्ष मतलब इरिटेशन और क्रोध मतलब क्रोधित रहना। संरम्भश्च अस्थाने, शस्त्र लोष्ट्र कषा काष्ठ मुष्टि भी अभिहरणम स्वेशां पर, शस्त्र से काठी से या हाथों से वो खुद को मारेगा या दूसरों को मारेगा। स्वेशां परेशां, अभिद्रवणम मतलब गालियां देगा। प्रच्छाय शीतोदक अन्न अभिलाषा, उसको छाया में बैठने की इच्छा रहेगी, ठंडे पाने की इच्छा रहेगी, ठंडा अन्न खाने की इच्छा रहेगी। संतापश्च अतिवेलम, बार बार उसके शरीर में संताप उत्पन्न होगा, वो मानसिक संताप भी होगा और शारीरिक संताप भी होगा। ताम्र हरित हरिद्र सौरभ अक्षता, उसके आंखें ताम्रवर्णी हरितवर्णी हरिद्र और सौरभ मतलब जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं उस प्रकार के आंखें दिखाई देगी। पित्त उपशय विपर्यासात अनुपशयता, पित्त के जो हेतु है उसके सेवन से उसको दुख होगा मतलब अनुपशय होगा, और पित्त के विपरीत गुण से उसको सुख होगा मतलब उपशय होगा। इति पित्त उन्माद लिंगानि भवन्ति। अब आगे है कफज उन्माद के लक्षण। स्थानम एक देशे, वो एक ही देश में बैठा रहेगा, वो चलेगा, वायु वात का वायु का उन्माद क्या करेगा, नित्य घूमता रहेगा। पर ये जो कफ का उन्माद है वो एक जगह बैठेगा तो बस बैठे रहेगा। तूष्णी भावम, तूष्णी भाव का अर्थ है मौन रहना, वो बिल्कुल कुछ बोलेगा नहीं। वायु में क्या है, नित्य बोलता रहेगा, पित्त में गालियां देगा और श्लेष्मा में वो मौन रहेगा, आप कुछ भी बोलो उसको वो आपसे एक वाक्य भी नहीं कहेगा, एक शब्द भी नहीं कहेगा, उसको तूष्णी भाव कहते हैं। अल्पः चंक्रमणम, वो कम मात्रा में संचार करेगा। लाला सिंघाण का श्रवणम, उसके मुख से नित्य लाला स्राव रहेगा, नाकों से सिंघाण का स्राव रहेगा। अनन्नाभिलाषः, अनन्नाभिलाषः अन्न के ऊपर इच्छा नहीं है।
रहस कामता, मतलब उसको एकांत की रहने की इच्छा रहेगी। बिभत्सत्वम, वो कभी शौच रहेगा नहीं, गंदा रहेगा। शौच द्वेषा, उसको शौच करने के लिए द्वेष रहेगा। स्वप्न नित्यता, नित्य सोता रहेगा। श्वयथुर आनने, मुख पे ऊपर शोत रहेगा। शुक्ल स्तिमित उपलिग्ध अक्षत्वम, उसके आंखें सफेद रंग की या स्तिमित मतलब चंचल नहीं है, और उपदिग्ध मतलब उसमें कीचड़, जो गंदगी आती है आंखों से, वो आंखों में बहुत गंदगी उसको रहेगी। श्लेष्म उपशय विपर्यासात अनुपशयता, श्लेष्मा के हेतु का सेवन किया तो उसको दुख होगा मतलब अनुपशय होगा, और श्लेष्मा के विपरीत गुण का सेवन करेगा तो सुख मतलब उपशय होगा। इति श्लेष्म उन्माद लिंगानि भवन्ति। त्रिदोष लिंग सन्निपाते तु सान्निपातिकम् विद्यात्, तीनों दोषों के लिंग का सम्मिलन मिश्रित होंगे तो उसको सान्निपातिक कहेंगे, और सान्निपातिक यहाँ पे कह रहे हैं इसका अर्थ तीनों दोष अपने अपने हेतु से प्रकोपित होंगे तो उसको तम असाध्यम आचक्षते, ये सान्निपातिक उन्माद असाध्य है। अब आगे कह रहे हैं साध्यानाम तो त्रयाणाम साधन, अब जो साध्य तीन है वात पित्त श्लेष्मा, उसके साधन क्या है, चिकित्सा क्या है, उसकी एक लिस्ट दे रहे। स्नेह स्वेद वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन उपशमन नस्त कर्म धूम धूप अंजन अवपीड प्रधमन अभ्यंग प्रदेह परिषेक अनुलेपन वध बंधन अवरोधन, ये सभी करना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इन कर्मों की चिकित्सा की अवस्था आ गई है तो वो कर्म करने चाहिए। विशेष चिकित्सा क्या है, वित्रासन मतलब उसको त्रास हो, किसी भी चीज उसको इरिटेशन हो जाए ये उसको उत्पन्न करना। विस्मापन मतलब उसको चकित करना, आश्चर्यचकित करना उसको। आगे है विस्मरण मतलब उसको विस्मरण करना, जिस चीज से उसको तकलीफ हो रही है उसका विस्मरण उसको करना। अपतर्पण मतलब लंघन करना, और शिराव्यधन ये चिकित्सा है। भोजन विधानम च यथास्वम युक्त्या, भोजन विधानम यथास्वम मतलब अष्टो आहार विधि विशेषायतनों से युक्त होके उसको भोजन देना। यश्च अन्यदपि किंचित निदान विपरीतम औषधम कार्यम तदपि स्यात्, और जो जो हेतु है उस हेतु के विपरीत उसको चिकित्सा करना। इसलिए कहा गया है भवंति चात्र उन्मादान दोषजान साध्यान साधे विषग उत्तम अनेन विधि युक्तेन कर्मणे प्रकीर्तितम्। जो साध्य दोषज उन्माद है उसकी चिकित्सा उत्तम वैद्य ने करनी चाहिए, वो कैसी करनी चाहिए, अनेन विधि युक्तेन, जो चिकित्सा स्थान में जो चिकित्सा क्रम बताया है उस क्रम से चिकित्सा करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं यस्तु दोष निमित्तेभ्य उन्मादेभ्य समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेष समन्वित हो भवति उन्माद तम आगंतुकम्। अब निज उन्माद के बाद आगंत उन्माद की उत्पत्ति होती है। स्टेप वाइज संप्राप्ति मैंने बताई है, अब व्याख्यान पहले से फिर से सुनिए। केचित पुनः पूर्वकृतम कर्मम अप्रशस्तम इच्छन्ति तस्य निमित्तम। अब केचित मतलब कुछ लोग कहते हैं, अभी आगंत उन्माद का अधिकरण शुरू हो रहा है, कुछ लोग ऐसे कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पूर्वोकृत अप्रशस्त कर्म, पिछले जन्म में किए हुए अप्रशस्त कर्म यही इसके हेतु है। तस्य च हेतु प्रज्ञापराध एव इति भगवान आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय ऐसा कहते हैं कि आगंत उन्माद का हेतु क्या है तो प्रज्ञापराध है। इसके ऊपर टीका की है चक्रपाणि ने कि पूर्व जन्म कृत अप्रशस्त कर्म ये प्रज्ञापराध में ही आ, इसलिए उसका समावेश उसमें करना चाहिए। प्रज्ञापराधाधि अयम देव ऋषि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाच गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य पूज्यान अवमत्य। प्रज्ञापराध से ये उनका अवमान करेगा, उनके कहे हुए जो बातें हैं वो नहीं करेगा, उनको गालियां देगा, और अहितानि आचरन्ति, और जो उसके लिए अहितकर है उसका वो आचरण करेगा। अन्यद्वा किंचित एवं विधम कर्म अप्रशस्तम आरभते, और ऐसे भी अन्य कोई अप्रशस्त कर्म वो करने लगेगा। तम आत्मना हतम, आत्मना हतम की टीका है। आत्मना हतम इति आत्मना कृतेन अशुभ कर्मणा हतम, मतलब उसने खुद ने ये कर्म किए हैं, विकृत कर्म किए हैं। देव ऋषि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस इनकी अवमान किया है, या फिर इनके विपरीत कुछ कर्म किया है, ये कर्म करने से इसको आत्मना हतम, वो खुद को विकृत करता है। और फिर उपघ्नंतो देवादयः कुर्वन्ति उन्मत्तम्, उपघ्नंतो देवादयः इसका अर्थ है उपघ्नंत इति उपवेशम, ये देवादि जो शारीर जो अतींद्रिय शक्तियां है ये इसके शरीर में प्रवेश करती है, देव शक्ति का प्रवेश होगा,
यक्ष का प्रवेश होगा, राक्षस या सूक्ष्म जीवाणु भी हो सकते हैं या शक्तियां भी हो सकती हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैंने मतलब एक पेशेंट ऐसा देखा था कि अचानक वो उसके सारे जो आचरण थे वो विकृत हो चुके थे। तो मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली तो मैंने उसको पूछा कि आपने कहीं पे रोड पे यूरिन की थी क्या, मतलब उसको पेशाब कहते हैं, पेशाब कहीं रोड पे की थी क्या? तो बोला हाँ, 8 दिन पहले अमावस्या के दिन में मैंने एक पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब की थी, तो उसके बाद ही मुझे ये सब शुरू हुआ है। फिर मैंने हमारे यहाँ जो एक ज्योतिषी है जो कुछ दैव्य पशु चिकित्सा भी करते हैं उनके पास भेज दिया और उनकी चिकित्सा से वो अच्छा हो गया। इस प्रकार के कई रुग्ण हमारे पास आते हैं जिनमें इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं, पर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिट बैठा है कि जो कोई व्याधि होता है वो निजस से ही होता है। नहीं, इस प्रकार के व्याधियां भी होते हैं, इनका वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, इनकी अलग अवस्था होती है, वो अवस्था समझना चाहिए। चिकित्सा कैसे करनी है वो चिकित्सा स्थान में बताया है, इस प्रकार की चिकित्सा कैसे करनी है। हम पहले निदान तो समझ लेते हैं, फिर आगे एक बताते हैं, तत्र देवादि प्रकोप निमित्तेन आगंत उन्मादेन पुरस्कृतम इमानी पुरुरूप। इसके देवादि जो आगंत उन्माद है इसके पुरुरूप क्या है? तो देव गो ब्राह्मण तपस्वी नाम हिंसा अरुचित्वम। देव गो और ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे जाति से ब्राह्मण नहीं लेना चाहिए। मनुष्य किसी भी जाति में उत्पन्न हो अगर उसको ब्रह्म तत्व समझ में आया है तो वो ब्राह्मण है। ऐसा जो सात्विक व्यक्ति है जो ब्रह्म तत्वों को जानता है, इसके प्रति, गाय के प्रति और देवों के प्रति जिसके मन में हिंसा है, ये उसका पुरुरूप होता है। कोपनत्वम, बार बार चिढ़ता है। नृशंसा अभिप्रायता, नृशंसा का अर्थ है पर अपकार रुचित्वम, टीका है, पर अपकार दूसरे के ऊपर दूसरों को तकलीफ देना, इसको नृशंसा कहते हैं। अरति ही, मतलब किसी भी एक जगह या एक कर्म में वो स्थिर नहीं रहता। ओजो वर्ण छाया बल वर्ण वपुषाम उपतप्ति, ये सब नष्ट हो जाते हैं। स्वप्ने च देवादि भी अभिवर्सनम प्रवर्तनम चैति, स्वप्न में ये देवादि जो है देवगो ब्राह्मण या यक्ष राक्षस पिशाच इनके द्वारा अभिवर्सना को प्राप्त होता है, ऐसा उसको स्वप्न पड़ता है। देखिए पैर निज उन्माद के हेतु पुरुरूप रूप अलग बताए हैं, अब यह आगंतु उन्माद के रूप पुरुरूप और उपशय अनुपशय बता रहे हैं, इन दोनों में फर्क है, संप्राप्ति में भी फर्क है। निज में पहले दोष, शारीरिक दोष विकृत होते हैं, मानसिक दोष विकृत होते हैं, मन वह स्वतः में स्थान वैगुण निर्माण होता है और वहां पे शारीरिक दोषों का स्थान संश्रय होता है और उन्माद की उत्पत्ति होती है, तो ये निज उन्माद है। आगंतु उन्माद में देवादि जो बताए हैं इनकी अभिभर्सना से मनोवय स्थान वैगुण्य होता है और इनके देवादि जो भाव है ये आत्मनाहत पुरुष में ये प्रवेश करते हैं और उन्माद करते हैं। यहाँ पे शारीरिक दोषों का कुछ संबंध नहीं है, बाद में शारीरिक दोष विकृत होते हैं। अब ये शरीर में जो प्रवेश करते हैं इसका वर्णन आगे किया गया है। सूत्र नंबर 12, तत्र उन्माद करणाम भूतानाम उन्माद्यताम आरंभ विषय, उसका आरंभ कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है? तो वो कहते हैं अवलोकयंतो देवा जनयंति उन्मादम। देव जो है वो अवलोकन से उन्माद निर्माण करते हैं, सिर्फ देखने से उस उन्माद होता है। गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षयः अभिशपन्तः, गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षि के अभिशाप से उन्माद होता है। पितरो दर्शयंतः, पितरों के दर्शन से उन्माद होता है। स्पृशंतो गंधर्वः, गंधर्व के स्पर्श से उन्माद होता है। समाविशंतो यक्षः, यक्ष ये जो बताया है ये शरीर में प्रवेश करने पर उसका उन्माद होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चरक कह रहे हैं। राक्षसः तु आत्मगंध आघ्रापयंतः, राक्षस ये गंध का घ्राण से शरीर में प्रवेश करता है। और पिशाचः पुनरारुह्य वाहयंता, प्रवास करते हुए, जर्नी करते हुए पिशाच प्रवेश करता है। अब आगे कहते हैं तस्य इमानी रूपाणि, उसके रूप क्या है? तो तद यथा अति आत्म बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण ज्ञान वचन विज्ञानानि। अब यहाँ पे अति आत्म शब्द है वो सबको लगाना है, अति आत्म बल, अति आत्म वीर्य, अति आत्म पौरुष, अति आत्म पराक्रम, अति आत्म ग्रहण, अति आत्म धारण, अत्यात्म स्मरण, अत्यात्म ज्ञान, अत्यात्म वचन, अत्यात्म विज्ञान, मतलब ये पहले नहीं था, इस अचानक बल बढ़ गया, अचानक शक्ति बढ़ गई, वीर्य मतलब शक्ति, अचानक
पराक्रम बढ़ गया, अचानक ग्रहण शक्ति बढ़ गई, अचानक धारण शक्ति बढ़ गई, अचानक स्मरण शक्ति बढ़ गई, अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया, अचानक वाणी का मतलब बोलने की अच्छा बोलने लगा, अचानक से शुरू हो गया और अचानक उसको विज्ञान प्राप्त हो गया। ये अगर अति हो गया मतलब पहले उसमें शरीर में ये भाव नहीं थे पर अचानक ये शुरू हो गए, तो ये उसके रूप है। और अनियता उन्माद कालम, और इसका जो काल है उन्माद के वेग होते हैं, आगंतु उन्माद के वेग होते हैं, इसका जो काल है उन्माद के वेग का वो अनियत होता है। अब आगे कहते हैं सूत्र 14 में कि ये कब प्रवेश करते हैं शरीर में, उसके काल बताए, ये बहुत महत्व का है। कब प्रवेश करेंगे? उन्माद इष्टताम अपि खलु देवर्षि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाचानाम गुरु वृद्ध सिद्धानाम च एषु अंतरेषु अभिगमनीया पुरुषा भवन्ति। और आखिरी लाइन में कहते हैं इति अभिघात काला, ये इसके अभिघात काल है। तो कौन से है? तो एक एक बताए। पाप कर्मणा समारंभे, किसी भी पाप कर्म का करने का आरंभ कर रहे हैं तो उस काल में ये प्रवेश करते हैं। आगे है पूर्व कृतस्य वा कर्मणा परिणाम काले, पहले जन्म में या इसी जन्म के पूर्व काल में कुछ विकृत कर्म किए हैं तो उसके कर्म का अभी फल देने का परिणाम शुरू हो रहा है तो उसमें वो प्रवेश करते हैं। पूर्व एकस्य वा शून्य ग्रहवासे, किसी शून्य ग्रह में जहां पे कोई बाकी रहता नहीं है, ऐसे शून्य जो गिरा हुआ है एकांत में है, ऐसे निर्जन वास में रहते हुए वो प्रवेश करते हैं। चतुष्पथा भी अधिष्ठाने, चौक में बैठा रहा है। चतुष्पथ मतलब चार रास्ते जहां पे इकट्ठा आते हैं उसको चौक कहते हैं, उसमें वो बैठा है तो उस समय उसको उसमें शरीर में प्रवेश करेंगे। संध्या वेलायाम अप्रयत भावे, संधि काल में अगर वो सो रहा है, संधि काल में वो खाना खा रहा है, संधि काल में वो विकृत कर्म कर रहा है तो उसके शरीर में वो प्रवेश करते हैं। पर्व संधि शुवा मिथुन भावे, पर्व संधि मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा और अमावस्या में अगर वो मैथुन कर रहा है तो मैथुन करते समय उसके शरीर में ये प्रवेश करेंगे। रजस्वला भी गमने, जिस जो रजस्वला है मतलब जिसका रजक काल चालू है, मेंसेस चालू है, ऐसे स्त्री के साथ अगर कोई मैथुन करेगा तो करते समय दोनों के शरीर में ये शरीर ये आगंतुष भाव प्रवेश करते हैं। विगुणे वा अयन बलि मंगल होम प्रयोगे, विकृत मात्रा में जैसे करना नहीं चाहिए, इस विकृत काल जैसा अध्ययन कर रहा है, बलि दे रहा है, मंगल कर्म कर रहा है, होम कर्म कर रहा है, वो विगुण कर रहा है, ऐसे करते समय उसके शरीर में प्रवेश करेंगे। नियम व्रत ब्रह्मचर्य भंगे, किस नियम का व्रत भंग हो गया, व्रत का भंग हो गया और ब्रह्मचर्य का भंग हो गया तो उस समय उसके शरीर में प्रवेश करेंगे। महाआहवे, आहव मतलब युद्ध, जहां महायुद्ध होता है जैसे महाभारत है, रामायण है, ऐसे महायुद्ध के समय ये उनके शरीर में प्रवेश करेंगे। देश कुल पुर विनाशे, देश का विनाश हो रहा है, कुल का विनाश हो रहा है और पूरा मतलब पूरे गांव का विनाश हो रहा है, उसके समय ये प्रवेश करेंगे। महाग्रह उपगमने वा, पृथ्वी के नजदीक अगर कोई ग्रह आ रहा है, मोटा बड़ा ग्रह कोई पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो ये बताते रहते हैं, जैसे किसी समय मंगल पृथ्वी के नजदीक आता है, कभी शुक्र नजदीक आता है, तो वो जो काल होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दोनों के ग्रह में आकर्षण शक्ति बढ़ती है और उस आकर्षण शक्ति से ये शक्तियां मनुष्य में शरीर में प्रवेश करती हैं। स्त्रियां व प्रजनन काले, स्त्रियों का जो प्रजनन काल है वो इस शक्तियों के प्रवेश के लिए बहुत महत्व का बताया है, इसलिए स्त्रियों में गर्भिणी परिचर्या और सूती का परिचर्या ठीक से करनी चाहिए। पहले इसलिए बताते थे कि बच्चा का जन्म होने के बाद 1 मास तक वो उस गर्भिणी सूती का को और बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते थे। आज क्या करते हैं, जैसे बच्चा जन्म हुआ उसका फोटो निकाल के फेसबुक पे डालते हैं। क्यों कर रहे हैं ये? इससे बाधा हो सकती है, ये नहीं करना चाहिए। ये बताया है, अगर हमारा चरक के ऊपर विश्वास है तो ये हेतु बताए हैं, ये नहीं करना चाहिए। विविध अशुचि, विविध भूत अशुभ अशुचि स्पर्शन है, जो स्पर्श के योग्य नहीं है ऐसे अशुचि वस्तुओं को स्पर्श करना, या विविध भूत मतलब जो प्राणी मात्र है उनको स्पर्श करना, या सूक्ष्म जीवों का संसर्ग होना। वमन विरेचन रुधिर स्रावे, वमन का स्राव है, विरेचन का स्राव है, रक्त स्राव हो रहा है, ऐसे समय में यह प्रवेश करते, इसलिए उस समय उस रुग्ण को बहुत ठीक से उसका परहेज करना चाहिए। इसलिए सुश्रुत ने जब शोणित स्राव होता है तो श्रोणित स्राव में बताया है कि श्रोणित स्राव में भूतानुबंध का रक्षण करना चाहिए, ऐसा बताया है।
ये क्यों बताए, या क्या हमारे हमारा हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास है या नहीं, हमारे ग्रंथों के ऊपर हमारा विश्वास है या नहीं? अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, पर अगर विश्वास है तो ऐसी चीजों को मानना चाहिए। अशुचे अप्रेतस्य चैत्य देवाय तन अभिगमने, मतलब संध्या काल में या विकृत अवस्था में या नग्न होके चैत्य मतलब जहां पे चौक में कोई बड़ा पीपल का वृक्ष है वहां जाना, या देवतायन मतलब देवालय में जाना। मांस मधु तिल गुड़ मदो उच्छिष्टे, किसी का झूठा हुआ आधा खाना खाया हुआ मांस मधु तिल गुड़ मद्य ये सेवन करना, मतलब किसी का जो खाया है पहले से वैसा जो छुआ हुआ है या जिसको हम उच्छिष्ट कहते हैं, ऐसा दूसरों ने खाया हुआ मद्य, दूसरों ने खाया हुआ मांस तिल पलल ऐसा अन्न सेवन करना। दिग्वाससी, दिग्वाससी मतलब नग्न रहना, कपड़ों बिल्कुल कपड़े नहीं पहनना। निशी नगर निगम चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातन अभिगमन है, रात्रि के काल में नगर में घूमना, निगम में घूमना, चौक में जाके बैठना रात्रि के काल में, उपवन में जाके बैठना, श्मशान में जाके बैठना, या जिसमें आघातन जहां पे वध स्थान है वहां पे जाके बैठना, वहां जाने के ये प्रवेश करते हैं। द्विज गुरु सुर यति पूज्य अभिघर्षण है, द्विज मतलब जो दो बार जन्मे हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, गुरु जो उम्र में बड़े हैं ज्ञान में बड़े हैं और कर्म से बड़े हैं, ऐसे गुरु व्यक्ति को या सुर देवताओं को, यति मतलब जो सन्यासी है और पूज्य व्यक्ति है उसका द्रोह करना, उसको गालियां देना, उसको उसके प्रति किसी हीन कर्म का आचरण करना, उस समय में ये प्रवेश करते हैं। धर्माख्यान व्यतिक्रमे, अधर्म मतलब आचरण, क्या आचरण करना चाहिए इसके नियम श्रुति स्मृति पुराण में बताए हैं, अगर उसके विपरीत हम करने लगेंगे तो इसमें वो शरीर में प्रवेश करते हैं। अन्यस्य वा कर्मणो अप्रशस्तम अस्य आरंभे इति अभिघात काल, ऐसे भी कोई अप्रशस्त काल बताए हैं तो इसे अभिघात काल में ये देवादिक जो भाव है या शक्तियां है ये शरीर में प्रवेश करती है, या सूक्ष्म जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी आगे बताते हैं, त्रिविदम तु खलु उन्मादकरणाम भूतानाम उन्मादने प्रयोजन, या आगंत उन्माद के तीन प्रयोजन होते हैं, किस लिए प्रवेश करते हैं, तीन प्रयोजन है, एक है हिंसा, दूसरा है रति और तीसरा अभ्यर्चन। हिंसा मतलब किसी को मारना है, जैसे वो या फिर कई प्रकार के हम भूतों के पिक्चर देखते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नाम का एक मूवी है, तो ये हिंसा के हिंसा से उसमें शरीर में प्रवेश किया है। रति मतलब किसी का क्रीड़ा या रति के रति से शरीर में प्रवेश करना, और अभ्यर्चना मतलब किसी इच्छा से, अर्चना का अर्थ है पूजन की इच्छा से किसी के शरीर में प्रवेश करना। अब आगे कहते हैं, तेषां तम प्रयोजन विशेषम उन्मत्तम आचार विशेषम लक्षण ही, हिंसा के लक्षण अलग है, रति के लक्षण अलग है और अभ्यर्चना के लक्षण अलग है। तत्र हिंसार्थिनो उन्माद मान्यो, अब जिसको हिंसा है, हिंसा करना है, तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उस व्यक्ति का अग्नि में प्रवेश कर देता है, अग्निम प्रविशति अप्सु निमज्जति, जल में उसको डुबा देता है, स्थलाशोभ्रे पद उसको ऊंचाई से या किसी स्थल से गिरा देता है, शस्त्र कषा काष्ठ लोष्ठ मुष्टि भी हंत्या आत्मना, खुद को मार देता है जिसके शरीर में प्रवेश किया है। अन्यद्वा प्राणवधार्थम आरभते किंचित, ऐसे प्राणवध के लिए है, साध्यो पुनर्दो वितरे, और रति और अभ्यर्चना से जो प्रवेश किया है वो साध्य है। तयो साधना ने, अब आगंतु उन्माद के साधन क्या है, तो मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम व्रत प्रायश्चित्त उपवास स्वस्त्ययन प्रणिपात, प्रणिपात मतलब नमस्कार करना, और गमन मतलब तीर्थयात्रा करना। एवं एते पंच उन्मादा भवन्ति व्याख्याता, इस प्रकार से पांच प्रकार के उन्माद यहाँ पे बताए गए। ते तु खलु निज आगंतु विशेषेण साध्या साध्य विशेषेण च प्रविज्यमानः पंचो संतो द्वावेव भवतः, ये दो उन्माद में पांच जो उन्माद है वो एक तो निज है या आगंतु है, और साध्य है या फिर असाध्य है। निज में सान्निपातिक असाध्य है और वातच पित्तच कफच साध्य है। आगंतु में हिंसा से प्रवेश किया हुआ आगंतु ये असाध्य है, रति और अभ्यर्चना से प्रवेश किया हुआ आगंतु ये साध्य है। तौ च परस्परम अनुबध्नीत, निज और आगंतु परस्पर को अनुबंध करते हैं, मतलब आगंतु उन्माद बाद में निजत्व को आता है,
और निज उन्माद बाद में आगंतुत्वों को आता है। कदाचित यथोक्त हेतु संसर्गात, अगर हेतु का संसर्ग हो गया तो ये एक में एक दूसरे को होते हैं, मतलब हेतु उत्पन्न, मतलब निज उन्माद है उसमें आगंतुक के हेतु सेवन किए तो आगंत उन्माद हो जाएगा, और आगंत उन्माद हुआ है तो उसमें निज के हेतु सेवन किए तो निजत्व को आएगा। तयोः संसृष्टम एव पूर्वरूपम भवति, इनके पूर्वरूप अगर ये संसृष्ट है, निजागंतु दोनों हुए हैं तो उनको दोनों के पूर्वरूप मिलते हैं। संसृष्टम एव लिंगम, दोनों के लक्षण भी इकट्ठा मिलते हैं। तत्र असाध्य संयोगम साध्य असाध्य संयोगम च असाध्यम विद्यात, मतलब निज का सन्निपातिक उन्माद और रति का आगंत उन्माद, ये अगर उनका संसर्ग हो गया तो वो असाध्य है, और वातज उन्माद निज का जो साध्य है वो, और हिंसा का आगंतु, इनका अगर संयोग हो गया तो वो भी असाध्य है। साध्यं तु साध्य संयोगम, अगर वातज उन्माद है और रति का आगंतु है तो वो साध्य है, मतलब जो साध्य निज है और असाध्य आगंतु है इनका असाध्य ही होते हैं। असाध्य निज है और साध्य निज है तो इनके इकट्ठे होने से वो असाध्य की तरफ जाता है, और दोनों साध्य, निज भी साध्य है आगंतु भी साध्य है तो वो साध्य रहते हैं। तस साधनम, साधन संयोगों में बहुत, उसकी चिकित्सा भी संयोग से करनी पड़ेगी, दोनों की दोनों प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ेगी। भवंति चात्र, इसलिए कहा गया है, नैव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा न च अन्ये स्वयं उत्कृष्टम उपकृष्ट, कोई भी देव, कोई भी गंधर्व, कोई भी पिशाच, कोई भी राक्षस, कोई भी आगंतु भाव, ये खुद होके मनुष्यों को तकलीफ नहीं देते हैं। न स्वयं उत्कृष्टम उपकृष्टंती मानवान, ये खुद होके तकलीफ नहीं देंगे जब तक हम उनको, उनके विकृति करने के हम हेतु सेवन नहीं करेंगे, या हम उनको तकलीफ नहीं देंगे तब तक ये खुद होके मनुष्यों को तकलीफ नहीं देते हैं। ये त्वे तु एनम अनुवर्तन्ते क्लिश्यमानं स्वकर्मणां, जो मनुष्य ऐसे क्लेश युक्त कुछ कर्म करता है जिससे इस देव यक्ष पिशाच गंधर्वों को क्लेश होता है तो यह मनुष्यों को तकलीफ देते हैं। न स तद हेतुकम क्लेशो नहीं अस्ति कृत कृत्यता, ये खुद होके तकलीफ नहीं देते, ये मनुष्यों ने अगर अपना उस प्रकार के कर्म किए तो ये शरीर में प्रवेश करते हैं, अगर ये कर्म मनुष्य ने नहीं किए तो ये शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रज्ञापराधात् सम्भूतो व्याधौ कर्मजम आत्मनः, इसलिए कर्मजो जो व्याधि है ये प्रज्ञापराध से ही होते हैं। नाभिशंसित बुधो देवान पितृन नापि राक्षसान, इसलिए किसी भी देव पितृ राक्षस आदि जो भाव है इनको न अभिशंसित, मतलब इनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आत्मानम एवं मन्यत कर्तारम सुख दुखयोः, अपने आयुष्यों में होने वाले सुखों और दुखों के कर्ता हम खुद है। आत्मानम एवं मन्यत कर्तारम सुख दुख, और दूसरा अर्थ, सुख मतलब आरोग्य और दुख मतलब व्याधि, आरोग्य प्राप्ति के लिए और व्याधि उत्पत्ति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए आगे कहते हैं, तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्येत, इसलिए जो श्रेयस्कर मार्ग है उसी का आचरण कीजिए। आगे कहते हैं, नो त्रसेत देवादीज को तकलीफ मत दीजिए, देव यक्ष गंधर्व राक्षस पिशाच इनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये चरक कहते हैं। अब इसका और अध्ययन अगर करना चाहिए तो चरक संहिता 21 स्थान में इसका वर्णन किया है, और अगर अध्ययन करना चाहिए तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अथर्ववेद में हर ग्रह की शांति बताई है, हर भाव की शांति बताई है, वो कैसे प्रवेश करते हैं ये भी बताया है, और जो अथर्वणी चिकित्सा है वो अथर्वणी चिकित्सा में इस ये अंतर्भूत होते हैं। आगे कहते हैं, देवादि नाम अपचीति, अपचीति का अर्थ है पूजा, अपचीति मतलब पूजा, तो देवादि जो लोग है उनकी पूजा करनी चाहिए, और हितानाम च उपसेवनम, और जो शारीर और मानस दोषों को साम्यावस्था में रहे ऐसे हितकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए। तेच तेभ्यो विरोधश्च, अगर इसके विपरीत सेवन किया तो वो व्याधिग्रस्त हो जाएगा, और अगर इसके साथ समान सेवन किया तो उसको आरोग्य प्राप्त हो जाएगा। सर्वम आयत्तम आत्मनि, ये दोनों करना ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कैसा करते हैं इसके ऊपर ये व्याधि होगा या नहीं होगा ये अवलंबित है। तत्र श्लोकः, संख्याम निमित्तम प्रागरूपम लक्षणम साध्यता न च उन्मादानाम निदाने अस्मिन क्रियासूत्रम च भाषितम, इसलिए इस अध्याय में उन्माद की संख्या, उन्माद के निमित्त मतलब हेतु, प्राग रूप मतलब पूर्व रूप, लक्षण साध्य साध्यत्व और क्रिया सूत्र चिकित्सा का सूत्र,
इस अध्याय में संक्षेप में बताया है। इसका विस्तार चिकित्सा स्थान में किया गया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते निदान स्थाने उन्माद निदानम नाम सप्तमो अध्याय। इसलिए देखिए उन्माद की व्याप्ति कितनी बड़ी है। सिर्फ पागल मतलब उन्माद नहीं है, बुद्धि विभ्रम, मनोविभ्रम, ध्येय विभ्रम, चिंत्य विभ्रम, संकल्प विभ्रम, ऊह्य विभ्रम, विचार्य विभ्रम, ज्ञान विभ्रम, बुद्धि विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, शील विभ्रम, चेष्टा विभ्रम, आचार विभ्रम, स्मृति विभ्रम, धी विभ्रम, द्रुति विभ्रम, इन सबको उन्माद कहते हैं। अगर इस प्रकार का व्यक्ति कोई करता है तो वो होता है। निज में क्या होता है, निज में पहले दोष शारीर दोष विकृत होते हैं। शारीर दोषों के साथ मानसिक दोष भी विकृत होते हैं। मनोवो सोतस में स्थान वैगुण्य उत्पन्न होता है। विकृत हुए शारीर दोष मनोवो में आकर और स्थान संश्रय करते हैं और अवरोध से उन्माद की उत्पत्ति करते हैं। ये निज उन्माद है। ये निज उन्माद अगर आगंतुक के हेतु उत्पन्न हुए तो बाद में आगंतुक को आ सकता है। आगंत उन्माद कैसे होता है, देवादि जो भाव है उनको हमने उपकृष्ट किया, उनको तकलीफ दी, तो ये जो काल बताए अभिघात काल, जैसे पर्व संधि में मैथुन करना या एकांत में रहना, शून्य गृह में रहना, रात्रि में चौक में जाके बैठना, रात्रि में श्मशान में जाके बैठना, या और भी जो बाकी के काल बताए हैं सूत्र नंबर 13 में, ऐसे अभिघात काल में ये शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद दोषों को विकृत करके मनोवा में विस्थान संश्रय करते हैं, उसको आगंत उन्माद कहते हैं। ये निज और आगंत उन्माद की संप्राप्ति विस्तार से यहां बताई। इसकी चिकित्सा का सूत्र भी बताया। आगंत उन्माद तीन प्रयोजन से आता है, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। हिंसा से आने वाला जो है वो असाध्य है, रति और अभ्यर्चना से आने वाला आगंतु ये साध्य होता है। उसकी चिकित्सा उस प्रकार से करनी चाहिए। और फिर इसका और विस्तार और अच्छे सा वर्णन चिकित्सा स्थान के सूत्र अध्याय, जो उन्माद का अध्याय है उसमें वर्णन किया है। आप बाद में आप देख सकते हो, चिकित्सा का अध्याय हम जब लेंगे तो उसका विस्तार के साथ वहां पे वर्णन करेंगे। अभी इतना वर्णन यहाँ पे पर्याप्त है। अब आप सब मेरे साथ इस पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद कहता हूँ। कल सुबह 11 बजे हम अपस्मार निदान का अध्याय यहाँ पे लेके आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।